सत श्रीकाल जी, तुसी देख रहे हो विनिंग पंजाब। मैं आजाद सिंह गल करांगे आम आदमी पार्टी की सरकार की कि किस तरीके दे नाल बहबल कलां जो मोर्चा लग्या होया इंसाफ मोर्चा उसनों भरोसा दिंदी नज़र आ रही है। तो नाल दी नाल गल करांगे पंजाब सरकार की ही जो नवी एजी की नियुक्ति हुई है उहदे उत्ते किस तरीके की अपडेट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो नाल दी नाल गल करांगे कांग्रेसी लीडर मनीष तिवारी दे जिन्हां वल्लों वड्डा बयान दिता गया आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्हां वल्लों बड़ा बयान इसनूं कहा जा सकता है। सो सब तो पहला गल करते हैं बरगाड़ी बेअदबी मामले की। सो 2015 दे बरगाड़ी मामला है जो उजागर हुंदा जिस तो बाद लगातार जो सिख संगतां ने इंसाफ मोर्चे के लिए डट जांदियां ने, सरकारां आउंदियां ने सरकारां जांदियां ने, पर जो बरगाड़ी बहबल कलां मोर्चा वो लगातार जा रही है इंसाफ इंसाफ दे लई लगातार उन्हां वल्लों मंग कीती जा रही है। हुण आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो उन्हां वल्लों हुण भी जो है मंग कीती जा रही है इंसाफ की मंग कीती जा रही है। सो कलतार संधवा जो कि स्पीकर ने वो इंसाफ मोर्चे दे विच पहुंचे ने ते भरोसा दिंदे हुए नज़र आए ने बरगाड़ी मोर्चे नूं। इस तो पहला तुहानूं दस दईए कि बरगाड़ी मोर्चा जो इंसाफ मोर्चा उह लगा होया उन्हां वल्लों सरकार नूं 15 दिनां दा अल्टीमेटम दिता गया सी। सो जिस तो बाद कलतार संधवा आम आदमी पार्टी के स्पीकर ने जो वो बरगाड़ी बेअदबी मामले दे विच जो मोर्चा लग्या होया इंसाफ मोर्चा उत्थे पहुंच कहते नजर आते हैं कि साड़ी कौम इंसाफ दे लई जान जांदी है ते इस बार इंसाफ जरूर मिलेगा, पर इंसाफ हले भी देरी दे विच मिलेगा। कुछ समय का टाइम मंगते हुए कुछ समा मंगते हुए कलतार संधवा नजर आए ने ते भरोसा दिंदे हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ समा जरूर लगेगा पर इंसाफ जरूर मिलेगा। जेकर साड़ी सरकार इंसाफ नहीं दे सकती तो किसी की। सो जेकर गल करिए आम आदमी पार्टी सरकार की, जदों सत्ता दे विच आउण तो पहला जेकर अरविंद केजरीवाल की गल कर ली जाए तो उन्हां वल्लों कहा गया सी कि बेअदबी दे विच 24 घंटिया दे विच इंसाफ दिता जाएगा, पर यह भी जो बयान आ वह राजनीतिक हो निबड़िया राजनीतिक बयान वह हुंदा नज़र आ रहा क्योंकि हाले तक भी जो है वह बरगाड़ी जो मामला आ बेअदबी मामला है चाहे फिर गोलीकांड मामला उहदे विच इंसाफ लई जो संगतां बैठिया ने उन्होंने इंसाफ मिलता होया नज़र नहीं आ रहा। हाँ एस आई टी बनाई गई गठित की गई उहदे विच जो डेरा मुखी राम रहीम है उसनों साजिशकर्ता जरूर बनाया गया, पर इसके बावजूद भी जो संगतां ने जो बरगाड़ी बेअदबी मामला उसनों लैके इंसाफ मोर्चा लगातार अपना इंसाफ मंग रहा है, पर हुण कुलतार संधवा पहुंचे ने भरोसा दिंदे हुए नज़र आए ने इंसाफ मोर्चे दे विच पहुंच के भरोसा दिंदे हुए नज़र आए ने। इस तो इलावा गल करते हैं पंजाब सरकार दे विच जे जो नवी नियुक्ति हुई है एजी की नियुक्ति हुई है, जेकर गल करिए विनोद घई नूं नवा एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया जिसनों लैके भी जो बरगाड़ी बेअदबी मामले विच इंसाफ मोर्चा लग्या होया उहदे वल्लों सवाल चुके गए ने। सो सब तो पहला विनोद घई की गल करिए वकील रह चुके ने डेरा मुखी की उन्होंने वालों पैरवी की गई है, तो नाल दी नाल विनोद घई ने जो उन्होंने भरा ने जो उन्होंने भी लीगल सैल का चेयरमैन है जो वह आर टी आई दे विच नियुक्त किया गया है। कांग्रेस वालों यह नियुक्ति की गई है विनोद घई दे भाई ने यह। जेकर गल करिए विनोद घई जो कि ने जिन्होंने एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया उन्होंने भाई को कांग्रेस के वड्डा अहुदा दिता गया है, आर टी आई लीगल सैल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। सो जेकर गल करिए विरोधी दल इसनों लैके भी जो इस तो इलावा जेकर गल करिए जो इंसाफ मोर्चे के उत्ते संगतां डटिया हुई ने उसके इस दे विच भी जो है नियुक्ति लैके सवाल चुके जा रहे ने। सो विवाद हो रहा विनोद घई की जो नियुक्ति की गया उसनों लैके सवाल चुके जा रहे ने। एडवोकेट जनरल लगाया गया जिस दे उत्ते घमासान छिड़िया होया। सो विनोद घई दे भाई ने बिपन घई नूं जो ने वह लीगल सैल आर टी आई का चेयरमैन नियुक्त किया गया कांग्रेस पार्टी के वलों जिस दे विच जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान ने राजा वड़िंग वह वधाई देंदे हुए नज़र आए ने। विनोद घई दे भरा ने बिपन घई एडवोकेट ने भी इन्हों भी लीगल सैल का चेयरमैन नियुक्त किया गया आर टी आई दे विच नवी टीम का गठन किया गया पंजाब कांग्रेस के वलों जिदे विच जो विनोद घई दे भरा ने बिपन घई वह खुद भी एडवोकेट ने उन्होंने आर टी आई दे विच आर टी आई ते एक टीम गठित की गई है ते लीगल सैल का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया। सो जेकर विनोद घई की गल
करिए एजी उन्होंने लगाया जाता एडवोकेट जनरल का अहुदा उन्होंने दिता जाता जो तो अनमोल रतन सिद्धू वालों अस्तीफा दिता गया अपने निजी कारण का हवाला उन्होंने वालों देंदे हुए अस्तीफा दिता गया सी। जिस तो बाद विनोद कई ने जो उन्होंने नियुक्ति होंगी है एडवोकेट जनरल के अहदे के उत्ते नियुक्ति होंगी है। हालांकि इस नियुक्ति लैके भी जो पंजाब वासी ने जा फिर विरोधी धिर ने वह भी सवाल चुकदियां हुई नजर आ रही सी। सो इंसाफ मोर्चे की गल करिए एक पासे जो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वह लगातार जो बेअदबी मामले के इंसाफ देने की गल की जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार के वलों समा जरूर मंगया जा रहा है पर हुण इस दे विच ही जो एक पासे इंसाफ मोर्चे नूं भरोसा दिता गया है कुलतार संधवां वलों खुद उत्थे पहुंचे ने भरोसा देंदे हुए नजर आए ने भी कि असी इंसाफ देवांगे तो इंसाफ मिलकर रहूगा। पर दूसरे पासे जो विनोद कई ने एजी नियुक्त किया गया जिन्होंने एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया वह खुद डेरा मुखी के वकील रह चुके ने बेअदबी मामले के सो उन्होंने भरा जो विपन कई ने वह भी एडवोकेट ने उन्होंने एक पासे कांग्रेस वालों लीगल जो सैल है वह चेयरमैन नियुक्त किया गया तो नाल दी नाल आर टी आई दे विच एक टीम का गठन होया। सो उहदे विच उन्होंने भरा वड्डा अहुदा कांग्रेस वालों दिता गया। इस तो इलावा गल करांगे मनीष तिवारी की। सो मनीष तिवारी आम आदमी पार्टी की सरकार के उत्ते वड्डा बयान इल्जाम भी इसनों कहा जा सकता वो लगाते हुए नजर आए ने। सो एम पी ने श्री आनंदपुर साहब तो जो जेकर मनीष तिवारी की गल करिए सीनियर लीडर मने जाते हैं आम कांग्रेस पार्टी के तो उन्होंने वालों भी जो है वड्डा बयान दिता गया आम आदमी पार्टी के उत्ते वड्डा बयान देंदे हुए नजर आए हैं। सो वह बयान भी थोड़ा दसते हैं कि उन्होंने वालों की कुछ कहा जा रहा है। सो जेकर गल करिए आम आदमी पार्टी की सरकार जदों तो सत्ता दे विच आई है तो वो वालों एक मुहिम चलाई गई है उन्होंने जमीना कब्जा मुक्त किया जा रहा है जिन्हों के उत्ते नजायज कब्जे किए हुए हैं चाहे फिर वह कि भी कब्जे ने सियासतदाना ने जा फिर होर उगिया हस्तियां के ही कब्जे क्यों ना होन उन्होंने उत्ते कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं। हुण इस कब्जे को लेकर मनीष तिवारी ने बयान दिता है कि सरकार ने मालिया के रिकॉर्ड नाल भी छेड़छाड़ शुरू कर दिती है जो पंचायती जमीन ने उन्होंने कब्जे छुड़ाने को लेके मनीष तिवारी ने उन्होंने बयान दिता है। कांग्रसी आगू ने एम पी ने श्री आनंदपुर साहब तो मनीष तिवारी के नाल दी नाल कांग्रेस के सीनियर लीडर ने जिन्हों वालों कहा गया कि मालिया के रिकॉर्ड के विच पंजाब सरकार वालों छेड़छाड़ शुरू कर दी गई है तो नाल दी नाल कहिंदे हुए नजर आए हैं कि जेकर पंजाब सरकार वालों पंचायती जो नजायज़ तौर के उत्ते पंचायती जमीन तो कब्जा छुड़वाया गया जिन्हों के उत्ते काफ़ी समय तो जो लोग ने उन्होंने उत्ते काबजकार ने वह खेती करते आ रहे हैं उन्होंने जमीन के उत्ते जो कि पंचायती जमीन छुड़वाइया जा रही ने वह कार्रवाई तो संतुष्ट नहीं नजर आए ने। खरड़ की गल करिए खरड़ दे विच उन्हां वल्लों जो बहुत घट जमीन रखने वाले गरीब लोगों नाल पक्षपात पूर्ण तरीके नाल जमीन हासिल करने की कोशिश की आलोचना की है। आलोचना करने के नाल नाल उन्होंने ये गल भी आखी है कि सरकार ने मालिया के रिकॉर्ड के नाल छेड़छाड़ शुरू कर दी है। इस तरीके का उन्होंने वालों बयान दिता जा रहा इल्जाम लगाया जा रहा आम आदमी पार्टी की सरकार के उत्ते मान सरकार के उत्ते। सो जमीन की गल चली है तो यह भी थोड़ा दस दिए कि लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच जदों तो सत्ता दे विच आई है तो पंचायती जमीन के उत्तों कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं ते नाल दी नाल जेकर गल करिए साबका मंत्रियों ते जो उगे सियासतदान ने उन्होंने कोलों भी जो है पंचायती जमीन तो कब्जे छुड़वाए गए ने। इस तो इलावा जेकर गल करिए साबका पंचायत मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा कोलों भी जो वड्डे घबले के संकेत मिलते हुए नजर आए थे जिस तो बाद उन्होंने उत्ते जांच भी की गई है तो जांच रिपोर्ट खुद मौजूदा पंचायत मंत्री धालीवाल ने जो उन्होंने वालों सौंपी गई है मानू। सो वह उन्होंने उत्ते अलग कार्रवाई देखने आने वाले समय के मिल सकती है पर जिस तरीके दे नाल जो मनीष तिवारी ने बयान देंदे हुए नज़र आए ने तो सवाल उठता होया आम आदमी पार्टी की सरकार के उत्ते जरूर नज़र आ रहा है कि पंचायती जमीन के उत्ते कब्जे छुड़ाने को लैके मालिया के रिकॉर्ड के नाल छेड़छाड़ जो है मान सरकार वालों शुरू कर दी गई है। सो
ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, RTI ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ।